देखिए इस वीडियो में हम लोग जो कार्नो साइकिल है उसी का एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें पता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE क्या है। उसमें H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस वर्क, ये इक्वेशन होती है। मैं इक्वेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट होती है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये आती है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको अप्लाई करते हैं, सारे चीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे। हम बॉयलर के लिए करेंगे, स्टीम टर्बाइन के लिए, कंडेंसर के लिए और पंप, हर एक एलिमेंट के लिए हम अप्लाई करेंगे इसको। तो पहले टर्बाइन से शुरुआत करते हैं। आपको पता है ना टर्बाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन का नेचर कैसा रहता है, आइसेंट्रॉपिक रहता है। आइसेंट्रॉपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक मतलब नो हीट, यानी सिंपल सी बात है कि हीट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस इक्वेशन में जो क्यू है वो जीरो पुट करेंगे हम। हमें पता है एक और चीज़ कि टर्बाइन में जो एंट्री और एग्जिट की जो वेलोसिटीज़ रहती हैं ना वो सेम रहती हैं, है ना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, और अंतर होगा भी तो वो नेग्लिजिबल होता है। यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2, वेलोसिटी जिससे एंटर कर रही है स्टीम और एग्जिट कर रही है वो दोनों बराबर हैं, और डेटम से डिस्टेंस डेफिनेटली इक्वल है, तो Z1 इज इक्वल्स टू Z2। तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे हमारी जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है इसमें, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। मतलब देखिए Z1 से Z2 कट जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल, एंड V1 एंड V2 आर ऑल्सो इक्वल, तो दे विल बी ऑल्सो कैंसल। अब इसके बाद में क्यू की तो आपने वैल्यू जीरो पुट कर ही दी है, तो इक्वेशन क्या बची, H1 इज इक्वल्स टू H2 प्लस वर्क। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा वर्क डन बाय टर्बाइन कितना है, H1 माइनस H2, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय टर्बाइन। अब हम बात करेंगे कंडेंसर्स के लिए। तो देखिए कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कोई भी काम नहीं कर रहा, कंडेंसर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है कुछ भी, तो W की वैल्यू विल बी जीरो हेयर। हमें और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी ऐसे एंट्रेंस हो रहा है उसी वेलोसिटी से एग्जिट होगा, तो V2 इज इक्वल्स टू V3 है। और हमें पता है डेटम से डिस्टेंस भी दोनों साइड का इक्वल होगा, यानी Z2 इज इक्वल्स टू Z3। तो अब हम ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं जब SFEE में पुट करेंगे तो वी विल गेट H2 प्लस Q इज इक्वल्स टू H3। देखिए पहले वाले में हमने 1 से 2 माना था ना, इसलिए हमने H1 H2 लिया था। इसके बाद देखिए आप नीचे H2 और H3 इंथैल्पी चेंज होगी ना, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स भी चेंज होंगे। तो देखिए H2 प्लस Q इज इक्वल्स टू H3। ये जो Q23 है ये है कितनी हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर के अंदर, तो वो होगा H3 माइनस H2 के इक्वल। तो अभी हमने दो चीज़ों में SFEE अप्लाई कर ली, एक हमने एक टर्बाइन के लिए कर लिया हमने और एक कंडेंसर के लिए कर लिया। तो हमें वर्क डन बाय टर्बाइन मिल गया H1 माइनस H2, और हमें हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर मिल गया H3 माइनस H2। अब देखिए यहाँ पे Q23 हमें मिल गया H3 माइनस H2, हीट लॉस इन कंडेंसर। अब हम पंप में अप्लाई करते हैं SFEE को। तो हमने स्टेडी फ्लो इक्वेशन लिख ली, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, H3 प्लस V3 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z3 प्लस Q इज इक्वल्स टू H4 प्लस V4 का स्क्वायर बाय 2G प्लस वर्क। तो देखिए इसमें वर्क तो चाहिए रहता है, क्योंकि अगर आप इसको एनर्जी नहीं दोगे तो ये थोड़ी ना, मतलब आपको वर्क करके देगा, पानी थोड़ा ना पंप बैक करेगा ऐसी। अच्छा यहाँ पर जो है आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होती है। देखिए पंप में क्या होता है, पंप में होता है आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रॉपिक मतलब क्या, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी कि एडियाबेटिक है यानी हीट तो जीरो, एक्सचेंज तो जीरो होगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब जो एंट्रेंस पे वेलोसिटी है वही एग्जिट पे रहेगी, तो V3 इज इक्वल्स टू V4, और डेटम से जो डिस्टेंस है वो भी Z3 इज इक्वल्स टू Z4। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट H3 इज इक्वल्स टू H4 प्लस पंप वर्क। तो पंप वर्क की वैल्यू क्या आ गई, H3 माइनस H4, तो ये हमारा पंप वर्क हो गया। और हमें पता है कि हमारा नेटवर्क क्या होता है, अभी एक इक्वेशन ऊपर लिखी हुई थी, देखिए नेटवर्क इज इक्वल्स टू टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टर्बाइन वर्क कितना, H1 माइनस H2, और पंप वर्क कितना है अपना आया पंप वर्क H3 माइनस H4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट नेटवर्क, और है ना हीट सप्लाइड कितनी है वो कैसे निकालें, तो हीट सप्लाई कहाँ होती है, बॉयलर में ना। तो अब हम बॉयलर में अप्लाई करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को। तो चलिए बॉयलर में अप्लाई करते हैं। तो फॉर बॉयलर
एच फोर प्लस वी फोर स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड फोर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन प्लस डब्ल्यू वन से फोर। ऐसा क्यों हो रहा है वन से फोर? क्योंकि देखिए ना, बॉयलर में पंप से निकला फोर प्रोसेस और बॉयलर ये वन, तो फोर से वन की प्रोसेस जो रहती है इट इज़ फॉर बॉयलर। तो इसीलिए हमने बॉयलर की इक्वेशन ऐसे लिखी है फोर और वन के टर्म्स में। अब देखिए डेटम से डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा, यानी जेड फोर इज इक्वल टू जेड वन। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ हीट एडिशन होता है, जो वो होता है आइसोथर्मली, ठीक है। और वर्क तो यहाँ जीरो रहता है, वर्क तो कुछ देता नहीं है हमको बॉयलर। और जो वेलोसिटी ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट रहती है वो इक्वल रहती है, यानी वी फोर इज इक्वल टू वी वन। अब वैल्यूज पुट करेंगे जब हमें, तो हमें मिलेगा एच फोर प्लस क्यू इज इक्वल टू एच वन। तो यहाँ से हीट सप्लाई टू बॉयलर कितनी मिल गई हमको, एच वन माइनस एच फोर, यानी क्यू सप्लाइड हमको मिल गया। और हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो नेटवर्क क्या था हमारा, टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क, दोनों की वैल्यू हमें पता है। और अब हमने हीट सप्लाइड भी पता कर ली, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में और हमें एफिशिएंसी का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास नेटवर्क था डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, है ना, एच वन माइनस एच टू इन अ ब्रैकेट माइनस एच थ्री माइनस एच फोर इन अ ब्रैकेट। और हमें हीट सप्लाइड भी पता है एच वन माइनस एच फोर। तो हमने दोनों की मतलब कि ये जो ईटा वाला फॉर्मूला था डब्ल्यू नेट बाई क्यू एस का, इसमें वैल्यूज डाल दी, तो हमें ये मिल गई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट वेपर साइकिल। तो इस तरीके से हमने एफिशिएंसी फाइंड कर ली कार्नोट साइकिल की। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।